की गरिमा ये है कि जिस श्रेष्ठ कार्य को करने का वह संकल्प ले तो उसे पूर्णता की ओर ले जाए। परमात्मा सर्वज्ञ है, जबकि जीव अल्पज्ञ। सिद्धि साहब ने एक संकल्प लिया है कि एम्बुलेंस और आदि कौन कौन के आए हैं, इनका ये सौभाग्य है, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता। ये देखो, ये एक तो सबसे बड़ा सबसे पहला सौभाग्य है कि ये स्वस्थ है इतनी उम्र में। दूसरा भगवान के मैं कर शिवे सर्वासादिके शरणे दिव्यके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनो हरि। चलो जी करो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इसमें कोई ना जाए। देखिए, सामाजिक संस्थाएं जो आगे आई हैं, खास करके बिरादरी समाज ने आज दूसरा प्रोग्राम रखा है और एक जो नया नाम दिया है समाज ने कि समाज कल्याण के लिए, तो समाज मैं कहूँ क्लिनिक का नाम जो इन्होंने दिया है, स्वास्थ्य क्लिनिक जो है, उनके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने आज दूसरे क्लिनिक के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया और इससे पहले भी एक सब वाहन भी पंजाबी बिरादरी ने प्रोवाइड किया है, जो यूजुअली इससे पहले अवेलेबल नहीं था। तो इन दोनों के लिए तो थैंक यू, लेकिन जहाँ तक क्योंकि NGOs और सामाजिक संस्थाएँ आगे आती हैं, सरकार संभवतः हर जगह नहीं पहुँच पाती, हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ जहाँ नहीं पहुँच पा रही, वहाँ ऐसे सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। मैंने पिछली जगह जहाँ अभी हमने उद्घाटन किया था तो वहाँ हमने बताया था और यहाँ पर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा, जो हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है फिरोज गांधी कॉलोनी के या UPHC के अंदर जो एरिया आते हैं, तो हम उनके जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको इनके साथ सहयोग करने के लिए ना केवल वैक्सीनेशन में बल्कि यहाँ पर चिरायू या जो कहते हैं कि उनके कार्ड बनवाने के लिए और निरोगी के अगर जांच की जरूरत पड़ती है तो हम निरोगी की जांच का केंद्र भी यहां पर बनाएंगे, क्योंकि मुझे बताया कि यहां कुछ लैब टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक या लो तबके का जो समाज का वर्ग है जो लाभ उठा नहीं पाता या उनके घर के नज़दीक से नज़दीक हम लाभ उनको दे पाए, ऐसे में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी को स्पेशल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो हमने इवनिंग OPDs जो है वो सिविल हॉस्पिटल में स्टार्ट की है। तो मैं ये चाहूँगा कि मॉर्निंग और इवनिंग एक जगह में, यहाँ मॉर्निंग OPD के लिए बात हुई है, दूसरी जगह यहाँ इवनिंग OPD के लिए बात हुई है दोनों क्लिनिक्स में, तो जहाँ मॉर्निंग में है तो वो इवनिंग में हमारे पास भेज सकते हैं और इवनिंग में अगर यदि कोई आता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में वो OPD में सेवाएं या ऐसी कोई वो लेते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ के जो संचालक हैं उनका और जो हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल के हैं, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे और जहाँ जो जो जिन लोगों को फौरन या कोई ऐसा ऑपरेटिव या ऐसे इलाज की जरूरत है
उनकी मदद करें। मैंने दो दिन पहले ही एक नए आदेश और जारी किए कि जहाँ पहले कि आपने देखा होगा कि हरियाणा में पहला ऐसा जिला है जो यूनिमोपिडी जहाँ कंटिन्यूस और लगातार चल रही है स्पेशल सर्विसेज के साथ साथ, अभी मैंने एक और सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक दिन इवनिंग में एक डिप्टी सीनियर लेवल का अधिकारी यानी एसएमओ या उससे वो सिविल अस्पताल का निरीक्षण करके मुझे डेली रिपोर्ट देता है ताकि शाम को या रात को भी कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलते हैं। जैसा कि आज हमारे तीन प्रोजेक्ट का श्री गणेश हुआ जी, गंगागिरी कुटिया एक है मंदिर वहाँ पर प्रातः वहाँ पर हमने जो मॉर्निंग सेशन हुआ जनरलाइजेशन हमने बेहतरीन तीन सेक्शन वहाँ पर, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सीएमओ साहब ने वहाँ पर घोषणा की है इनका जो सेंटर है वहाँ से काफ़ी नजदीक है, हम इनकी सुविधाओं का भी लाभ उठाएंगे प्लस जो हमारे पास सुविधाएं हैं जैसे इनको वैक्सीनेशन कैंप के लिए जगह दी तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ बैठ करके कि इस प्रकार का समन्वय हो कि आम जन को इधर उधर धक्के न खाने पड़े। इसी प्रकार जो यहाँ पर हमने शुरू किया है, यहाँ पर हमने शाम को शुरू इसमें महिला रोग विशेषज्ञ होंगे जनरलाइजेशन होंगे और फिजियोथेरेपी होंगे और ये हमने इस पर्टिकुलर डिस्पेंसरी का नाम स्वर्गीय चौधरी धर्मवीर गावा क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बिरादरी के लिए अपने शहर के लिए बहुत कुछ समर्पण किया है, तो मन में ये आया कि ये किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कह दिया सीख लीजिए भाजपा से है वो कांग्रेस, ऐसा नहीं है, ये समाज का काम है। हमने चौधरी धर्मवीर गावा के प्रति ये जो समर्पित की है और हम चाहते हैं कि उनका नाम बहुत रहे और इस प्रकार की सेवाओं से उनका नाम अमर होगा। और हमारे दिनेश नागपाल जी जिन्होंने अपने प्रकाश सिंह के पिता की याद में एक एम्बुलेंस दिया है उसका भी श्री गणेश करवाया है, वो भी सुविधा निःशुल्क है, ये तीनों की तीनों निःशुल्क सुविधा है जहाँ पर दवाई भी फ्री मिलेगी और डॉक्टरी कंसल्टेशन भी फ्री। ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं करता है, मैं कोई करता नहीं, हमारी बिरादरी के जो सक्षम लोग हैं अभी हमारे पी के दत्ता जी आए हुए हैं, नया साहब आए हुए हैं, ये लोग हमें नरेंद्र यादव जी हमारे से जुड़े हैं, ये लोग हमें समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं। हमने पिछले सवा साल में लगभग 80 से 85 सामाजिक कार्य किए हैं, सब हमारे साथ बैठे सी ओ साहब, इन्होंने कोविड के दौरान इनको हमारी जरूरत थी हमें इनकी जरूरत थी क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, हम सरकार का अभिन्न अंग है और सरकार हमारा अभिन्न अंग है, मिलकर के बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें चिरायु इतना बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया अपने हाथ में, तो इस प्रकार के भारत सरकार ने आयुष्मान भारत दे रखा है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं हम चाहेंगे कि समाज के साथ सरकार के साथ मिलकर के आम आदमी जो एक गरीब आदमी जिसको अंत्योदय कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबू कहते हैं कि जो अंतिम पायदान जो व्यक्ति बना है हमारा हृदय जो धड़कता है उनके लिए धड़कता है, बाकी उसके और आम आदमी भी आते हैं मिडिल क्लास भी आते हैं बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं क्योंकि उनका कई जगह प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में विश्वास टूट चुका है तो इसलिए आते हैं यहाँ पर कम से कम नहीं उसका व्यवसायीकरण नहीं होता, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा आज हो सकता है अगर ईश्वर इच्छा हुई मेरी किनारे ने मुझे आगे दी तो हम शायद आज डिस्पेंसरी में मीटिंग लेते हैं। तो त्रिलोक आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी बिरादरी के ऑफिसर हैं, वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हम सब से मिलकर उनके साथ काफ़ी सारे आई चेकअप और आई डोनेशन, बल्कि मैं तो देह दान में विश्वास करता हूँ, मैंने अपना देह दान किया हुआ है जिसकी घोषणा हो चुकी है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे दामाद मेरे बहू सबको मालूम है कि कल को कोई उस समय भावनात्मक होकर के मना ना कर दे, तो मैं तो चाहूँगा खाली नेत्रदान नहीं देह दान की बात की जाए क्योंकि जो पंच तत्व का शरीर है वो पंच तत्व मिल जाना मिट्टी हो जा रहा है, अगर हमारे जितने डॉक्टर बैठे हैं ये लोग कहाँ से सीख के आए हैं, ये इन्होंने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करके वहीं से ये ज्ञान दिया है, तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अंग दान करें चाहे देह दान करें चाहे नेत्र दान करें, तो हम चाहेंगे कि हो सकता है बड़ी शीघ्र ही हम यहाँ पर नेत्र दान का और नेत्र चेकअप का कैंप भी लगाने वाले हैं। ऐसा है जी पूरा विश्व इस समय जागरूक है और लोगों के अंदर जागरूकता फैली हुई है, हमारी कोशिश ये होती है कि हर हमारे जितने भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक हो वहाँ पर इस प्रकार की हम अपील करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो आप एकमात्र मृत्यु के चार घंटे के अंदर जो नेत्र देते हो वो एक जो आँख है वो दो लोगों को रोशनी देती है, तो सबका कर्तव्य बनता है सबका फर्ज बनता है समाज में रहने के लिए राष्ट्र के प्रति सोचे क्योंकि हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं सर्वे भवंता की बात करते हैं, जब हम ओम शांति अंतरिक्ष में शांति की बात करते हैं वनस्पतियों में शांति की बात करते हैं पृथ्वी में शांति की बात करते हैं, तो सबको मेरी अपील यह है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना नेत्र दान करें। थैंक यू।
स्वागत रहेगा जी योग सभा जी। निवेदन कर रहा हूँ जनता जी से, इधर देखे इधर देखे ठीक है सर इधर इधर देखिए सर सामने याद में आज हम ये डिस्पेंसरी शुरू करके चले हैं सुषमा जी कुछ करना है आज सामने आमंत्रण पर आए श्री वी एल नागपाल जी। निवेदन कर रहा हूँ सुभाष अडेजा जी, सुभाष गांधी जी, नवी मनुष्य जी कृपया सारे आ जाए। सुभाष अडेजा जी इनके माध्यम से सुभाष अडेजा जी, सुभाष गांधी जी, नवी मनुष्य जी Thank you.